वर्षों पहले गुजर चुकी एक औरत की भूतिया आत्मा धरती लोक से स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर रही होती है। जमीन से आसमान की तरफ जाते हुए वो भूतिया आत्मा नाग लोक से होकर गुजरती है। तभी उस पर नाग लोक में रहने वाली सौंदर्या नागिन की नजर पड़ती है और वो उसका डरावना रूप देखकर उसे रोकते हुए कहती है, अरे ओ भूतनी बहन, जरा इधर तो आना। क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? भूतनी कहकर मैं खुद को तो संबोधन देने से रही, तो जाहिर सी बात है तुम्हें ही बुला रही होंगी। तुम मेरे डरावने चेहरे का मजाक उड़ा रही हो। डरावना? इसे डरावना नहीं, सड़ा गला चेहरा कहते हैं। मतलब इसे देखकर किसी मनुष्य को तुमसे डर कम घृणा ज्यादा होती होगी। तुमने मुझे यहाँ मेरे चेहरे का क्रिटिसिज्म सुनाने के लिए बुलाया है क्या? हैं? ये कौन सी भाषा की शब्दों का प्रयोग कर रही हो भूतनी बहन? गवार नागिन, रहने दे, तुम्हारी नागिन बुद्धि में कुछ नहीं घुसेगा। अच्छा, मैं तो ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि इतने कुरूप चेहरे के साथ तुमने धरती पर अपना जीवन कैसे काटा। मतलब क्या ये रक्त से भरी आंखें, उस पर ये कीड़ा रेंगता हुआ, ये बिखरे बाल, ऐसा लगता है किसी झंझनाते तूफान की चपेट में आ गई हो। नहीं मतलब हमारे नागलोक की भिखारा नागिन का रूप बिना तुम भूतनियों से लाख गुना बढ़िया होता है। बस करो, बहुत मजाक उड़ा लिया तुमने मेरा। मैं अच्छी भली धरती लोक से अपनी भूतनी अवधि पूरी करके स्वर्ग की ओर जा रही थी, पर तुमने मेरे डरावने रूप को कुरूप पर भद्दा कहकर मुझे गुस्सा दिलाया है। इसलिए मैं भूतनी अपनी भूतनी शक्ति का इस्तेमाल करके तुझे श्राप देती हूँ कि ये तेरा सुंदर रूप एक भूतिया रूप में बदल जाएगा और एक नागिन से तू एक भूतिया नागिन बन जाएगी। इतना कहकर भूतनी अपने होठों से निकल रहा खून उस पर छिड़क कर चली जाती है और खून पड़ते ही सौंदर्या का सुंदर रूप भूतिया और डरावने रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन उसका रूप सच में परिवर्तित हो चुका है, इस बात का एहसास उसे नहीं होता और वो हंसते हुए कहती है, अरे बताओ, आजकल भूतनिया भी श्राप देने लगी। श्राप की जगह शरबत देकर जाती तो कम से कम कंठ को ठंडक तो प्राप्त होती। इतना कहकर वो अपने प्रेमी नाग अक्षांश से मिलने के लिए झरने के पास जाती है और कुछ ही देर में वहाँ अक्षांश आ जाता है। सौंदर्या उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हुई होती है, तभी अक्षांश उससे कहता है, क्या बात है, आज मेरी सौंदर्या मुझसे मुख फेर कर खड़ी है, क्या मैंने आने में कुछ ज्यादा ही विलम्ब कर दिया? नहीं, वो तो मैं ही शीघ्र आ गई थी। ओहो, अब हमारे ये प्रेम के पल यूं रूठ कर नष्ट ना करो। सौंदर्या उसकी तरफ पलटती है और उसका भूतिया रूप देखकर अक्षांश नाग के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है और वो डरते हुए कहता है, कौन हो तुम, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। अक्षांश, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारी प्रेमिका सौंदर्या हूँ, ध्यान से देखो। अरे इस भूतिया चेहरे में देखने लायक क्या है, दूर हो जाओ। भूतिया चेहरा? माना कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन मेरे सुंदर रूप को तुम भूतिया कहने का दुस्साहस किस प्रकार कर सकते हो? मेरे दुस्साहस की बात गई जहर लेने, पहले ये बताओ इतना भूतिया डरावना चेहरा लेकर खुद को सौंदर्या नागिन बताने का साहस किस लोक से भिक्षा मिलाई हो? ये कैसा मूर्खों वाला प्रश्न कर रहे हो तुम मुझसे, मैं नागिन हूँ नागिन, तुम्हें अभी अपने नागिन अवतार में आकर दिखाती हूँ। इतना कहकर सौंदर्या अपने अर्ध नागिन अवतार में आती है, लेकिन उसका रूप अभी भी वैसा ही डरावना और बाल बिखरे हुए होते हैं। ये देखकर तो अक्षांश हैरान हो जाता है और कहता है, भूतिया, तुम एक भूतिया नागिन हो, हमारे नागलोक में भूतिया नागिन। अक्षांश भूतिया नागिन को देखकर सदमे से बेहोश ही हो जाता है। तभी सौंदर्या झरने में बह रहे पानी में खुद को देखती है और अपना ऐसा डरावना चेहरा देखकर वो खुद ही पीछे की तरफ गिर जाती है और कहती है, हे भोलेनाथ, यानी उस भूतनी का श्राप सच में मुझे लगा है, जिसके कारण मेरा सुंदर चेहरा इतना कुरूप और डरावना हो गया, यानी अब मैं नागिन नहीं बल्कि एक भूतिया नागिन बन गई हूँ, ये मेरे साथ क्या हो गया? इतना कहकर वो तुरंत वहाँ से गायब होकर अपने भवन में आ जाती है, जहाँ से वो अपने कक्ष में जा ही रही होती है कि तभी सामने से फलों की थाल लेकर आ रही उसकी माँ शमीशा की नजर उस पर पड़ती है और उसका चेहरा देखकर शमीशा के हाथ से थाली गिर जाती है और वो कहती है, हमारे नागलोक में भूतनी,
ए भूतनी, तू मेरे भवन में क्या कर रही है और तुझे यहाँ प्रवेश किसने करने दिया? अरे मैं कोई भूतनी नहीं हूँ, मैं एक नागिन हूँ नागिन। अरे कम से कम आप तो अपनी संतान को पहचानो। कुरूप भूतनी, खबरदार जो खुद की तुलना मेरी सुंदर सौंदर्या से की तो चली जा यहाँ से, वरना डस डस कर तेरा सारा शरीर छलनी कर दूंगी। कर दो वो भी कर दो, ये भूतिया नागिन बनकर वैसे भी जिंदगी का झोल झपाटा हो गया है। तभी शमीशा अपनी नागिन रूप में आकर उसे डसने ही वाली होती है कि सौंदर्या वहाँ से गायब होकर अपने कक्ष में चली जाती है और खुद को शीशे में देखते हुए अपने चेहरे को हाथों से मसलने लगती है और कहती है, मन तो कहता है इस भूतिया चेहरे को ही अपने नागिन शरीर से अलग कर लूं, किंतु ऐसा किया तो मेरा ये नागिन जीवन यूं ही नष्ट हो जाएगा। सौंदर्या खुद के भूतनी नागिन बन जाने के कारण बहुत निराश हो जाती है और अपनी निराशा दूर करने के लिए पूजा की थाल लेकर शिव मंदिर की ओर निकल पड़ती है। जैसे ही वो मंदिर पहुंचती है, वहाँ के नाग नागिन उसका डरावना चेहरा देखकर दूर भागने लगते हैं। और जैसे ही वो मंदिर में कदम रखती है, सारी नागिनें अपने नागिन रूप में आकर रेंगते हुए फटाक से वहाँ से निकल लेती है। ये देखकर बेचारी सौंदर्या नागिन बिना पूजा किए ही अपने कक्ष में लौट आती है और जादुई गोले पर पृथ्वी वासियों को देखने लगती है। तो पृथ्वी लोक पर एक अमित नाम का मनुष्य मंदिर में हाथ जोड़कर भगवान से कहता है, हे भगवान, जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। अबे लालची मनुष्य, मेरे आगे तो सच बोल, मांगने में PhD करके बोलता है कुछ नहीं मांगा। बस एक इच्छा है भगवान, मुझे एक अप्सरा जैसी नागिन के दर्शन करा दो। पेरोकात से बाहर की इच्छा जता दी नालायक ने। मतलब हमेशा से नागिनों को टीवी में देखा है, मन में एक इच्छा जागती थी कि मैं नागिनों को असलियत में देख सकूं। उसकी ये बात भगवान तो सुनकर अनसुनी कर देते हैं, लेकिन जादुई गोले में उसे देख रही सौंदर्या उसकी बातें सुनकर कहती है, ये मनुष्य एक नागिन से मिलने की इच्छा रखता है, तो क्या मैं इसकी इच्छा पूरी कर दूं? कर ही देती हूँ, वैसे भी यहाँ नाग लोग में तो मेरे किसी को कदर ही नहीं, मैं पृथ्वी लोक ही चली जाती हूँ। इतना कहकर वो नाग लोक से गायब होकर पृथ्वी लोक के उस मंदिर में पहुँचती है और अमित के कंधे पर हाथ रखती है। जैसे ही अमित पलटता है, वैसे ही उसका डरावना चेहरा देखकर जमीन पर गिर पड़ता है। अरे मोरी मैया, ये क्या देख लिया? बा, 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 भूत। मैं कोई भूत नहीं हूँ। सॉरी, भूतनी, तुम तो भूतनी हो, भूतनी बहन, मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, मैं तो तुम्हारी चाहत पूरी करने आई हूँ। ना, 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 नागिन, अरे मैं सकल से बेवकूफ दिखता हूँ पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अरे भला नागिन इतनी डरावनी कैसे हो सकती है? अरे मैं सच में एक नागिन हूँ, मेरा विश्वास करो। अच्छा तू नागिन है तो मैं ऋतिक रोशन हूँ। ए जाना, भूतिया से सकल लेके खुद को नागिन कह रही है। क्या बोले नाथ, मोनी रॉय जैसी नागिन मांगी थी, आपने भूतिया नागिन से मिलवा दिया। तू इसी के लायक है ना लायक। सौंदर्या उसे अपने नागिन होने का एहसास दिलाने के लिए उसके करीब जाने लगती है। तभी अमित उसे धक्का देकर गिरते पड़ते वहाँ से भाग जाता है और बेचारी भूतिया नागिन सौंदर्या कहती है, हे शिव शंकर, कैसे जीऊंगी मैं भूतिया नागिन बनकर,